ऐसा भी नहीं है गाइस। सीरियसली तुझे आई आई या यू शुड नो राइट। इतना अच्छा लगता है मुझको पता है। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह उठ के मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी। 5 बजे उठ गई थी। पहले मैंने अपनी मॉर्निंग रिचुअल, मैंने मेडिटेशन करी, पाठ किया, फिर उसके बाद चीकू के साथ थोड़ा प्ले किया और फिर नई नई करी। एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू पैक माई लंच और करते हैं आज दिन की शुरुआत। लंच में लेके जाऊंगी जो मैंने कल रात को दाल बनाई थी। ज्यादा पैक करूंगी क्योंकि नीतू और मैं साथ लंच करेंगे। लंच पैक्ड। नाउ चिकू विल हैव फूड, राइट चिकू? ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी फ्रैंकी। इसमें डालेंगे एवोकाडो, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा धनिया। फ्रांची के लिए एग्स बॉयल करने के लिए रख देते हैं इंस्टा पॉट में। वेजीज भी बॉयल करने के लिए रख दिए। प्यारे सब्सक्राइबर का दिया हुआ मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पूरा परिवार जा रहे हैं मैडम साहब को छोड़ने। चलो 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 चलो, पापा आ रहे हैं। चिका भी चलता है आजकल, कीरत को छोड़ने, बारिश बहुत हो रही है। और गाड़ी मैंने पूरी कर दी थी गरम, आएगा वो चढ़ेगा, कोशिश करेगा। ओए मेरा बच्चा, वाह, बाबू तो कार बॉय बन गया है। हाँ। सो नाइस, मैं कैसे जाऊंगा स्काई ट्रेन में? तो टेम्परेचर इज परफेक्ट। एक बार में उठती है 5 बजे, छोड़ पहले की तरह उठती होती 5 बजे तो मेरे को कोई खुशी नहीं थी। एक बार में उठती है ऐसे। और अब गैस करो कीरत सुबह उठने के लिए कितने अलार्म लगाती है, सिर्फ एक। कैन यू बिलीव इट, मैंने कीरत को अपने जैसा ट्रेन कर दिया। पहले कीरत ने मुझे अपने जैसा ट्रेन किया कि मैं 50 अलार्म, मेरे को क्या, मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ एक अलार्म लगाता था, मैं उठ जाता था क्योंकि जितने बजे का अलार्म है मैं तभी उठूंगा। कीरत क्या रह के मेरे साथ क्या होता था, मेरे को पता था कम से कम 50 अलार्म होंगे। तो मुझे पता ही नहीं चलता था एक्चुअल अलार्म कौन सा है, तो मैं सोता ही रह जाता था। तो शायद इसीलिए मैं सोती रह जाती। हाँ, क्योंकि यू नो कि देयर इज अनदर अलार्म, देयर इज अनदर अलार्म। नाउ आई नो देयर इज नो अदर अलार्म। इफ यू वांट टू फाइट इन लाइफ, हैव नो बैकअप। ओह माय गॉड, लाइफ में बैकअप रख लेना। कहीं कहो कि फियांचो ने कहा था कि बैकअप नहीं रखना। इसने खाना खा लिया, खिला दिया मैंने इसमें सारा मॉर्निंग वाला। हाँ। लंच प्रिपेयर करेगा ना। हाँ। प्रिपेयर तो क्या ही, दाल और वो है गरम करना है। हाँ। तो इसका पहले कर दियो, सोप कर दियो। सुनाना भूलती नहीं कि दाल वगैरह बनाई हुई है। प्रिपेयर करने की आज तक जरूरत नहीं है, सॉरी। अरे मैं छेड़ रहा हूँ तुझे, ठीक है, जैसे इतने साल पहले छेड़ा था, बस मजाक मजाक में तूने हाँ कह दी। फिर मुझे गाइस रील बताइए, आजकल कुछ ट्रेंड हो रहा है, मेरे को नहीं पता था, इससे मेरे को बताइए। आजकल रील चले मजाक मजाक में, ठीक है, तो मजाक मजाक में मैं कम से कम 10 रीलें बनाऊंगा इस पे। तो मजाक मजाक में एक लड़की को बोल दिया आई लाइक यू, गले ही पड़ गई। मजाक मजाक में बोल दिया आज खाना बता देता हूँ, 3 साल हो गए शादी को, बनाई जा रहा हूँ। तो ये हमारी शादी को कितने साल हो गए, चौथा है, पांचवा है, पांचवा चल रहा है। इस नवंबर में कितने होंगे, 5? भाई पता नहीं चला 5 साल का, सीरियसली। पहले एक दो के बाद तो सुन ही हो गया था मैं, मुझे पता चला। मेरे को दुख दिया, देखो दुख बहुत दिया ना, वो इसलिए सॉरी मेरी जान, अगले जन्म मोहे बेटर पति की जो। कोई बात नहीं, तू ऐसा मजाक करता है मैं कभी नहीं करेगा। आई लव माय हस्बैंड। मजाक करके तू करता मैं नहीं करूंगा। आई लव माय हस्बैंड, आई लव माय। मैं देख सारी दुनिया छतरियां लेके जा रही, तू भी जा सकती, तेरी भी छतरी ये रही है इसकी अम्ब्रेला। हाँ फ्याश है ना। कल क्या किया, कल बताया तो था बड़ी अच्छी जगह पे मैंने लंच किया। नहीं नहीं, ये तो गॉसिप की गॉसिप, ऑफिस की गॉसिप। हाँ, नो ऑफिस गॉसिप। मैं अपने सभी दोस्तों से पूछता हूँ ऑफिस की कोई गॉसिप, बिकॉज मैं सच में बता रहा हूँ, अगर एक चीज दैट आई मिस इन माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज लाइक Having that office circle, ठीक है, physical office circle, तो उसमें मजा आता है। बाकी तो यार virtual जब तो बोलो तो हम सिर्फ काम की बात करते हो। बहुत हमारे office में hybrids है ना, क्योंकि role बहुत लोगों के। अच्छा, तो office में बहुत कम आते हैं कहीं तो। मैं कल सबको बता रहा था, vlog भी आया नहीं ना कल वाला, मैं कहा हम भी और सारी दुनिया लातों की भूत है बातों से नहीं बांधती, सबसे रूटीन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नौकरी लगी, ये रूटीन, सुबह 5 बजे लड़की उठ रही है। भाई बारिश काफी तूफानी हो रही है। बट एक ऑनेस्ट बताऊं तेरे को बात, ऐसे तो नौकरी पहले भी करती थी तब नहीं रूटीन ठीक हुई, अंदर से आना चाहिए होता, बट फिर भी ऐसे कोशिश होती नहीं थी। उतर 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 उतर, गान मार।
बाय मेरे जान। किरत उतर ही बाबू, दिस इज नो स्टॉपिंग। हाँ बाबू इसको पकड़ा लिया, सारा रोमांस जिसको नो स्टॉपिंग में करना होता है। छतरी तो खोल अपनी, गिली हो जाएगी। बस अब ऐसे ही जाऊंगा। बाय, लव यू। अरे छतरी ले ले, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अरे छतरी छतरी है, छतरी चल इधर बैठ। सो एस्केलेटर में कभी भी लेफ्ट साइड पे खड़ो मत, लेफ्ट साइड वाले चलते होते हैं। तेरी सीट है, अच्छा बैठ इस पे। गाइस नो स्टॉपिंग पे, सारी दुनिया रुकती है। एक गाड़ी लगे ऑटो पायलट पे। हाँ चलो बैठो, आओ अच्छा 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 कूल। अब ठीक है, इसमें बैठ जा आराम से। कोर्ट जाने का नाम ही नहीं ले रहा मेरा बेबी। चिका और पापा घर पहुंच गए। मैंने कीरत को ना स्पेसिफिक कहा था कि मेरे लिए 7 अंडे कर दियो जिम से मैं आ रहा हूँ। कीरत ने 6 रख दिए क्योंकि मैं रोज 6 खाता हूँ। तो मैंने कहा तूने 6 क्यों रखे, मैंने तेरे को 7 कहा था। कहती नहीं, मुझे लगा तेरे लिए 7 ज्यादा हो जाएंगे। बट मैंने कहा मैंने तुझे फोन करके कहा मुझे 7 अंडे खाने, तो तूने 6 क्यों रखे। कहती बस मुझे लगा तेरे लिए 6 ही ठीक है। मैं कहा चल ठीक है। आज सुबह से फिर से पूछा, कहती 6 अंडे रखूं या 7 अंडे रखूं, जो तू बोलेगा वो करूंगी। तो मैं कहा काम कर 6 ही रख दे, कोई बात नहीं। और आज मैडम ने 5 रखे हैं। क्या चाहती है मेरे से। ब्रेड बन गई है। ओए होए होए, आज चेक करते हैं भाई क्या बात है। तो बेसिकली ब्रेड को ऐसे निकालते हैं, रख देते हैं बाद में। बढ़िया लग रही है पर ये थोड़ी छोटी बनी है। उस बार की हनी भी डाली थी शायद, हनी और ओट्स भी डाले थे। आई थिंक फ्लॉप शो यू है, ये तो पहले से ज्यादा डेंस बनी है। खाने में ठीक है बट भी थोड़ी सौगी सौगी लग रही है। अब आप सबको पानी मिलती है। टाइम फॉर कॉफी। पानी है, कॉफी है, कॉफी है। लंच टाइम। आज मैं नीचे नहीं खा रही बिकॉज बहुत ठंड है बाहर। सो आई माइट ग्रैब समथिंग लाइक डिजर्ट और समथिंग, बट लंच यहीं पे करूँगी। वैसे तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ करना था लंच, बट उसका एक्चुअली लंच प्लान हो गया उसकी मैनेजर के साथ। मैं सोचा कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में कर लूँगी। लंच कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ फटाफट एक नया कैफे ट्राई करने। दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज लाइक माई हैप्पी टाइम, लाइक लंच टाइम। और पता भी नहीं चलता कि 4 घंटे निकल जाते हैं एंड फटाफट लंच आ जाता है। और आई कीप ऑन ट्राइंग लाइक न्यू प्लेसेस। सो आज मैं जा रही हूँ एक बढ़िया से कैफ़े जिसका नाम है थियरी, आई थिंक थियरी, या सो वहाँ जाऊँगी और ट्राई करूँगी समथिंग स्वीट, मे बी अ टिरामिसू और समथिंग। सो सुपर एक्साइटेड। 49 पार्लर भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा। हर बार जितना मेरे को ऐसा लगता है कि यार इतनी दूर जा रही हूँ, लेकिन लंच पे आके मेरे को ऐसा लगता है नहीं, इट्स ऑल वर्थ इट, सो फार सो गुड। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाएगा फिर तो सिर्फ 3 दिन ही जाना है मेरे को ऑफिस, और फिर और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। थैंक गॉड मैंने वो दूसरी वाली एक जॉब थी वो नहीं पिक करी, बिकॉज देन आई वुड हैव रिग्रेटेड। जाएंगे इधर। इस ब्रांड के जो ज्वेलरी है ना इतनी पॉपुलर है और इतनी महंगी है। डिजर्ट ले लिया है और मैं इस स्पॉट पे बैठूंगी। दोस्तों 12:55 का है ये छोटू सा पीस, देखो छोटू सा। लेट्स सी इफ इट्स वर्थ इट और नॉट। ट्राई करें। इट्स रियली गुड।
लव इट मजा आ गया. आधा खा लिया मैंने, आधा रखा है अपने फिशी के लिए. डिजर्ट खा के अब मैं जा रही हूँ वापस ऑफिस. बैलेंसियागा की लेटेस्ट कलेक्शन ले रहा हूँ. आज की आफ्टरनून टी होगी जैस्मिन ब्लॉसम ग्रीन टी. काम से छुट्टी. मेरी फ्रेंड भी ऑफिस से फ्री हो गई है, अब हम दोनों जाएंगे साथ में ट्रेन में. कॉलेज के दिन याद आ गए मुझे. वो आ रहे हैं थके हुए प्राणी. तारू डरान लगी सी. मैं कह तू भी आ गए पीछे में होंगे थप्पा. हेलो. तो पता ही नहीं चला बातें करते करते कब पहुंच गई मैं न्यू बस स्टेशन. वो रहा मेरा कॉलेज. थैंक गॉड देख ले गलत ट्रेन में चढ़ गई थी मैं तो. दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने भी चेक किया, फीवर आया हुआ 99.68. बुखार हो गया फिर से. जस्ट अभी टेस्ट उस दिया है और काम कुम खत्म किया है, तो मेरे को ना तबियत बहुत डाउन लग रही थी काफी देर से. मेरे को बीच में ना एकदम से ऐसे भी हुआ कि मैं सो जाऊं, मेरे से हुआ नहीं. फिर मैं 30 मिनट्स के लिए सो भी गया. बट अब मेरे को चेक किया, मैं कहा अभी बुखार है, जिम जाने का टाइम हो गया. तो मैं कहा जिम जाने से पहले मेरे को वीकनेस फील हो रही है, पता नहीं नजाया सी, बड़ा डाउन हो जाता हूं मैं एकदम से. मुझे पता क्या लग रहा है कि कोविड की किट्स लानी पड़ेगी मेरे को. आई हैव टू चेक जस्ट फॉर द केस. वैसे तो आसपास दोस्तों को भी हो रखा है, वो भी बता रहे थे कि डॉक्टर ने कहा कोई नया फ्लू चल रहा है, ऑन ऑफ बुखार हो रहा है. किसी फार्मेसी से चेक करता हूँ किट मिल जाए मुझे. तो अगर बाय चांस आपको भी जरूरत पड़ी ना तो गूगल पे जाके बस ये लिखना कोविड किट्स फॉर फ्री इन कनाडा ऐसे करके. तो ऑल अक्रॉस कनाडा या सरी, ये तो मेरे बीसी की आ गई फ्रेजर हेल्थ की, ये सारी जगह पे जितनी भी जगह है आप किट्स ले सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. बस अपनी आईडी दिखानी है और आपको मिल जाएंगी. चिकू और पापा कहाँ जा रहे हैं हाँ बताओ सबको. तो मैं और चिकू जा रहे हैं पहले तो कोविड किट पिक करने, और उसके अलावा कीरत भी वहीं पे आ रही है स्टेशन के पास. सो सेवन से मिल रही है किट्स घर के पास वाली सेवन से. चिकू की मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है चिकू की? चिकू की मम्मा कहाँ है? ये रही चिकू की मम्मा, ये रही चिकू की मम्मा. चलो बेला बच्चा. मेरे बाबू नु किसी सोसाइटी के बच्चे ने इसको कहते हैं लिफ्ट से निकला कहते सो क्यूट छोटी सी लड़की. बट अब ना हमने गाइस एक वीडियो देखी है, जब अगर ऐसे करेगा तो हमने इसको ट्रीट देनी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसमें भी यूज करने की कोशिश करेंगे. कीरत तो आज मेरे को ना एक फोटो भेजी, एक पेज पे डाला हुआ था कि आई हैव अ टाइनी डीमन चीवा हुआ था. कहते इज वेरी नाइस बट द मोमेंट ही सीज एनीबॉडी ही गोस क्रेजी. यार कैसा रहा मेरा बच्चा? मेरा ठीक नहीं है. टेस्ट ठीक हो गया, काम हो गया. फीवर पता नहीं 99.68 आ गया ऐसी है. हाँ गर्म है तू तो. मैं तो बोल रहा हूँ अल्टरनेट चल रहा है मेरे को रोज, तो कुछ नॉर्मल फीवर नहीं है, कुछ वायरल टाइप है मुझे. वायरल चल रहा है वैसे. और अब बिल्कुल मेरे को मरने तक बोलेगी. बता एंटीबायोटिक खा ले. अभी भी नहीं बोलेगी. गाइस बेहतर कहना चाहता हूँ, अगर कल को मेरी तबियत खराब हुई तो प्लीज मुझे इस औरत के भरोसे मुझे मत छोड़ना. मैं हॉस्पिटल में भी लेटाऊंगा. पता क्या कहेगी नर्स को? नर्स ड्रिप मत चढ़ाओ, इसकी बॉडी खुद ड्रिप क्रिएट करेगी. हम कर सकते, बॉडी टैकल कर रही है तेरा. वैसे बचपन से आज तक बॉडी ने टैकल किया, बॉडी ऐसी करेगी शक्तिमान बन जाएगी. ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ दही कर दिया. पर बट ज्यादा लकी नहीं हो रही आजकल मैं लेने आ रहा हूँ छोड़ने आ रहा हूँ. इसको आदत मत बना ले गलती से. या यू शुड नो राइट. इतना अच्छा लगता है मुझको पता है. इतना क्या सेविया बना दे अगर प्यार कर. सेविया बस ठीक है, फिर जाते वक्त सेविया पकड़ते हैं. ये अंधेरा क्यों हो गया भाई एकदम से? अंधेरा होना ही है बेसन में आ गया. मैंने कीरत को कहा अगर मुझे कोविड निकला था फिर तो क्या करेगी? कहती फिर वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट चलूंगी. खुश इतनी चल रही है. दोस्तों कोविड की किट मिल चुकी है, एक ही लेके आया हूँ मैं. नहीं, इसमें 5 है तो फिर मैं एक ही मोर देन इनफ. सारी बातें छोड़ दू. हाँ. इतना इसने घर पे भौंका, इतना तंग किया मुझे, इतना तंग किया. एक और फिर मैं बुला रहा हूँ आ जा आ जा आ जा, आ नहीं रहा. फिर मुझे ट्रिक आई, यू विल नॉट बिलीव. इसको इसको देखियो, इसको टेडी टेडी
आजा टेडी आजा, आज गोदी आजा टेडी 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 आजा आजा टेडी आजा गोदी। मैं टेडी बोलता हूँ, ये ढूंढता है उसको। तनीषा तो देख के पागल ही हो जाएगी। चिकू इतना सा टेडी लैपटॉप पे आ जाए हाँ इमीडिएटली, ऐसे होता है कि टेडी का है। टेडी टेडी तेरा यार है, तेरा दिलदार है, आए तेरे को से मतलब इसने सिलेक्टिव वो कर लिया सिलेक्शन। अब धीरे धीरे सिलेक्शन हो रही है, अब क्या कर सकते हैं। मतलब गाड़ी से सामने आसे पासे कोई इतना सा भी पास आ जाए। पापा ने रिकॉर्डिंग भेजी है कि मैं परेशान हो गया उससे, भोग के जा रहे नो बोंकुमल सामने अब क्रॉस वॉक पे चल रहे हैं लोग, इसको दिख रहे हैं और उनको बोंक रहे नो। सबसे ज्यादा तो आज मेरे जिम में सो रहा है, इसको हो रहा है मेरा मन अभी भी चला जाऊं मुझे। हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी जर्नी देखी होगी ना चीकू की, पहले मेमला बोलता नहीं था, तो कहता था ये तो कुछ बोलता है। मैं तो ऐसे था कुछ नहीं बोलता, आई एम सो हैप्पी। अब तो पूरे रास्ते से मुझे बोल रही तेले में डिजर्ट लाइव डिजर्ट लाइव डिजर्ट, देखा मैंने निकल गया आते आते इधर को भी हो गया। गाइस वीडियो कसम लगे वीडियो में बहुत बड़ा लग रहा है, मैं सच में बता रही हूं $7 का इतना सा भी नहीं है गाइस। बाबू $14 पट्टे हैं मेरे इस पे, तो इतना मजा आया है ये क्या नहीं अच्छा लगा, इतना तो स्वाद है, बेस्ट सेलिंग है उनका, सीजनल है। ऊपर वीड है क्या? नहीं नहीं रास्पबेरी नहीं बाबू, ये सूखा सूखा क्या है, ये वीड है? नहीं वो है अर्ल ग्रीन चाय पत्ती। मैं का वैंकूवर से ना वीड भी हो सकती है ऐसे। और लग रहे तो ये का भाई सीरियसली तुझे अच्छे लग रहे, मुझको तो इतना पसंद आया, ये वाला खा के देख। I don't believe क्या है, बेस्ट सेलिंग है उनका। अभी घर आई है अभी, और कह रही है बस मुझे अब सोना है। नहीं सोना नहीं है, कहती मुझे खाना बनाना है, मुझे भी बता दे, मैं अपना खाना खुद दे दूंगा, तू अब बता खड़े तो 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 काम कर, स्वीट पोटैटो का डिनर कर ले, फ्रेंच फ्राइज खा ले। और भाई मैंने आज क्या खाया था, मैंने देखा, मैं आपसे शेयर करना रह गया, मैंने नीचे वाला ड्रॉर खोला, पापड़ियां पड़ी हुई थी इमली की चटनी, तूने खाई? मैंने फिर आलू स्टीम करे, आलू स्टीम करके मैंने घर पे पूरी पापड़ी चाट बनाई है। तूने तो पूरा वो खाया प्रॉपर? नहीं नहीं खाता पूरी, इतनी सी तो थी थोड़ी सी, चार पापड़ी, ये पांच पापड़ी थी, सिर्फ दो तीन पापड़ी खाई। मैं तो वो था जो क्या बोलते हैं, जब तक भैया पापड़ी चाट वाले बना रहे, जब तक सूखी पापड़ी खा लेता है, जब तक आलू बोल रहे थे, मैंने तो 10 तो सूखी पापड़ी खा ली थी, तभी खत्म किया। तेरे को पता है अभी सेकंड वीक हो गया मेरा, तो रोज कुछ ना कुछ जाके ऐसे खा पी रही हूँ। तो मुझे ऐसे अपने स्टूडेंट डेज याद आ रहे थे कि पहले भी तो काम करती थी डाउनटाउन में, बट कभी खर्चती नहीं थी, ऐसा था कि पैसे सेव करूं, बड़ा दिल करता था। बट अब ऐसे आज मेरे को ऐसे हुआ यार, मैं $12-13 की पेस्ट्री खाई मैंने आज, लंच आ जाता है इतने का, कोई इतना वो नहीं फील हुआ कि हाँ चल के कोई बात नहीं, ऐसे प्राउड भी लगा। ये वही की तुझे कहती थी खाने पे पैसे नहीं पड़ते क्योंकि पॉटी में निकल जाते हैं। यार वो मतलब के टाइम टाइम का होता है, दिल तो नहीं होता है, I am very happy loving it, और ऐसा फील होता है कि अच्छा लगता है। तो Enjoy. मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि टाइम आता है, डोंट वरी, हैंग इन देयर। मैं भी जब स्टूडेंट थी तो स्टार्टिंग ऑफ द करियर भी, इनफैक्ट जब मैं फुल टाइम जॉब भी करती थी, मैं बिल्कुल फालतू नहीं खर्चती थी कोई, मैं मतलब ऐसे खाने पे ऐसे मैं घर से लंच लेकर जाती थी, मतलब सेव होम पे केले खाती थी। कीरत कह रही है कि मैं सबको कहना चाहती हूँ, मतलब सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ जिनकी लाइफ सेटल है उनको, तुम तो फिर मुझे मारो। दोस्तों 20 मिनट तो हो चुके हैं, अभी तक तो नेगेटिव ही आ रहा है। उन्होंने कहा था कि 15 मिनट में आपको लाइन आ जाएगी, बट 30 मिनट से 10 मिनट और देख लेते हैं, फिर हो सकता है फिर वायरल ही हो। अगर कोविड होता ना तो मेरे को एक रीजन मिल जाता कि भाई क्यों हो रही है, कभी यार मैं बता देती वायरल है। ओ, और भाई फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने टिकट्स किसी को देनी पड़ जाती अगर कोविड होता, मूवी की टिकट बुक कराई भी, मूवी की टिकट, हर्ष गुजराल के शो में जाना, उसकी टिकट, सब कुछ। दोस्तों ऑफिशियली आधा घंटा हो चुका है, देयर इज नो कोविड, ये आ गया, तो गाइस वायरल ही होगा, कोई खांसी जुकाम टाइप चल रहा है। अब आज शायद डोलो खा लूं, बट वही है ना, मैं डोलो खाने ही चाहिए, मेरे को जब खाता हूं तो ठीक हो जाता हूं, उसके बाद हो नहीं पा रहा, और कोर्स में कोई कर नहीं रहा एंटीबायोटिक का। जिम चले जाओ फिर, मैं कोविड तो नहीं है, पागल हो रहा है, एग्जर्सिस कर रहा है, मुझे भी सेट मार रहा है, वजह से ही हुआ है तेरे को कि तू रिकवर हुआ नहीं, जिम पहले चला गया कल, तो जो मैंने शानदार जिम मारा स्टडी करना, तू एप्पल क्यों नहीं लेके जाती? आई डोंट लाइक एप्पल्स।
हेल्दी चीजों से ना तेरे को कोई अलग सी परहेज है, मैंने देखा है। क्या बात कर दी, हेल्दी चीजों से। आई लव ऑल फ्रूट्स, जस्ट फ्यू। आई लव बनाना, आई लव एवोकाडो, आई लव पाइनएप्पल, आई लव खरबूजा, आई लव ब्लूबेरीज, आई लव कीवी, एप्पल आई डोंट लाइक, आई लाइक ऑर्गेनिक एप्पल दो, द वन दैट्स अवेलेबल इन लोकल फार्म्स। एक और चीज मैंने देखी है, ऑर्गेनिक बोल के ना बंदर तेरे को जहर भी खिला देगा तो वो भी खा लेगी। आई लव ऑर्गेनिक थिंग्स। मेरे डोंगा छोटा है यार, मैं बना प्रॉपर ओट्स की, चिया सीड्स की, भिगोए भी की, क्या बोलते हैं इसको, पुडिंग। ये बादाम भी है। थैंक यू। ए मेरे उसमें था। थैंक यू। ये मेरा डिनर हो गया। बादाम मूवी देखी ना तूने? वही वाली देख रहे हैं। ये डाल ले थोड़ा कोकोनट श्रेडेड, बहुत अच्छा लगेगा। है वो हाथ जोगी। ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ऑर्गेनिक है बाबू। दोस्तों थोड़ी सी डेंस बनी है इस बार ब्रेड, बट बहुत ही टेस्टी है। मैं दिन में बताया था, मेरा फ्लॉपसीन लग रहा है इसका। आटा भी दूसरा ना इस बार, इसलिए अच्छा लग रही है। ऐसी मत खा। मैं भी दैट्स व्हाई। कल छुट्टी नहीं है, परसों छुट्टी है। अरे कब के बाद छुट्टी है पागल। एनीवे आई एम गोना कम लेट, आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स। मैं अब इतने प्लान बनाता हूं ना दोस्तों, मजा ही आ जाता है बस, पर क्या ही बताऊं। आई एम जस्ट लिविंग। क्या चाहिए? खीरा। लिविंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। Don't touch me. How dare you? I'll touch you. Don't touch me while I'm working in the kitchen. उसके बाद touch me all you want. इस लड़की को दोस्तों French fries वगैरह सब बना के दिए, बस प्लेट में डालना है तो नहीं डाल रही है। तेल डालना चाहिए था थोड़ा, हेल्दी के चक्कर में थोड़ा चिड़चिड़ हो गया। किचन हो गई है पूरी सेट, कीरत ने कर ली अपनी नाइट टाइम रूटीन, हम भी जा रहे सोने, 9 बज रहे हैं गाइस। बहुत जल्दी मेरी तो शायद तबीयत थोड़ी ढीली है तो मेरे से उठा नहीं जा रहा। कीरत का कल ऑफिस है तो मैडम ने अपना मुंह धो लिया है, सोने चलने के लिए रेडी है। अगर हम कल सुबह 5 बजे भी उठते हैं दोनों तो भी हमारा बहुत ज्यादा टाइम है दोस्तों, 9 to 12। अभी तो एकदम से नींद नहीं आएगी, एक घंटा लग जाएगा सोते सोते, बट स्टिल There's a warehouse sale in Vancouver that I'm gonna go during lunch time. इनको लेके जाएगी? Yes. Lunch हो जाएगी, बाद में आएगी? Lunch में ही सोच रही हूँ, काम निपट दूँ, बाद में rush हो जाएगा। ठीक, जल्दी आ जाओ, movie के लिए जाना है। Bye bye, कल मिलते हैं। Bless you. Bless you. चल, hope जल्दी feel better. Bye. Bye.